आपको भाई, ये राइडर कभी सुधरेगा नहीं इसको। इमरान भैया आज बाइक क्यों नहीं चला रहे हो आप? हाँ कहाँ जाए देखो भाई, कितनी गर्मी है, रौनक को भयंकर गर्मी लग रही है। तो सारा लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, बहुत टाइम है। जो उम्र है एज इज जस्ट 56 से चला रहा है। 56 से सीनियर सिटीजन और भी है यहाँ पे, इनको भी बाइक चलाते हैं। इनका मेट्रो में फ्री होने वाली है अभी। हाँ यार कुछ बोलना, मेट्रो को पास कर रहे। क्यों हालत खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है। आगे आज हम वापस रेडी हो गए। ये देखो आज हमने हमारी स्पॉन्सर की टी शर्ट पहनी है, जो पहले हमें स्पॉन्सर करते थे, लास्ट रेस हम इसी से स्पॉन्सर थे, हरजी मोटर स्पोर्ट्स। तो आज मैं 6 महीने के बाद पहली एक रेस चलाने जा रहा हूँ, जो रेस है दिल्ली NCR गुड़गांव के अंदर रेस हो रही है। होटल्स होटल का एक मोटो कैफे है, उसका एक रेस हो रहा है, लोकल इवेंट है। उसका क्या प्रोसेस है मैं आपको सारा वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। अभी मैं रेडी हो गया हूँ, पूरा राइडमेंट जो भी होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको कौन सी बाइक पे आप चला सकते हो, एक्सपल्स इम्पल्स और आप KTM हिमालयन, ये सारी बाइक आप चला सकते हो। उसका भी जो भी प्रोसेस है मैं आपको समझाऊंगा। ओके गाइज, तो वीडियो में अगर आगे हो तो पूरा वीडियो देख के जाना, सब लोगों के लिए जानकारी के लिए है और अच्छा आपको सीखने को मिलेगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें बता पाऊँ। ओके गाइज, मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। राइडिंग गियर पहन के रेडी हो चुके हैं, टीम हमारी रेडी हो चुकी है, मीडिया टीम अपना काम कर रही है, चंदा भाई अपने लगे हुए हैं लुब्रिकेंट करने में चैन को। ये देखो ये मीडिया टीम सारा कुछ काम करती है ना, तो इसीलिए तो मीडिया टीम है ना। राइडर के साथ रहना मतलब बहुत कुछ सीखना होता है। भाई देखो नॉर्मली लोगों का चेस्ट गार्ड होता है, मेरा अपर चेस्ट गार्ड है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। देखो मैंने पूजा वूजा करी आज, बढ़िया से पूजा वूजा करके निकले हैं, भगवान का नाम लेके देखते क्या होता है। बाकी मैं आपको वहाँ चल के डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है। आप नॉर्मल, आपके पास एक्सपल्स है तो भी आप रेस चला सकते हो, नॉर्मल लाइसेंस चाहिए बस। तो सो गाइज, जैसे आप अंदर आते हो, अंदर आते ही ये डॉक्यूमेंटेशन सेशन हो रहा है, इस पर आप डॉक्यूमेंट भर सकते हो, फाइल आपकी फॉर्म भरना है, इजी फॉर्म है। और जैसे ये भर रहा है नॉर्मल फॉर्म है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक्स आपकी इंक्वायरी हो रही, बेसिक्स फॉर्म भर रहे हैं और कौन सी क्लास चलानी है आपको, 4 से 5 क्लास है। तो ये सारी क्लास अलग अलग कैटेगरी है, जो भी आपको चलानी चला सकते हो आप। एक्सपल्स हिमालयन वुमेन कैटेगरी सारा कुछ है, तो आप कोई भी चला सकते हो, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लाइसेंस पे आप चला सकते हो। FMSC का लाइसेंस जो होता है वो बड़ी रेस के लिए होता है, जो FMSC की रेस जो होती है उसके लिए होता है, तो ये इसके लिए है। ये लोकल रेस है तो इसमें आप चला सकते हो सारी कैटेगरी, ठीक है। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके फी भर के मिलता हूँ आपको। आ रहा है जितने पहले करा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, साइन हो गए, भर रहे हैं फॉर्म, ये बोल रहे सारा साइन करो, भरोगे फॉर्म भरने के बाद आपको ये पार्टिसिपेशन नंबर मिल जाएंगे, ये देंगे। ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, ये चीज़ हो गई कंप्लीट, अब आगे कुछ और है, सीधा प्रैक्टिस में करेंगे। ओके, और रौनक और सर निकल चुके हैं ट्रैक वॉक पे, आते ही एंट्री हो गई। रौनक हमसे पहले आ गया था, मैं थोड़ा फंस गया था बाइक थोड़ा सही करने में, तो ट्रैक वॉक अभी चल रही है, स्टार्ट है यहाँ से ट्रैक का, बाकी देखते हैं अंदर क्या है। हाँ ये स्टार्ट ही है, सेम है पहले वाला जो लास्ट टाइम चलाया था। तो अभी ट्रैक वॉक करते हैं और फिर कुछ समझ में आता तो देखते हैं। है ना रौनक, कैसा रहा ट्रैक वॉक? बढ़िया सर। उल्टा आए आप? तो भाई ये राइडर कभी सुधरेगा नहीं, इसको हजार बार बोल दिया है कि नी ब्रेस अंदर पहनते हैं या नी पैड अंदर पहनते हैं, बट नहीं, हमेशा बाहर पहन के ही आएगा। राइडर की मजबूरी भी तो सकती है, मजबूरी भी है कुछ है। तो बाकी टीम हमारा ये ड्रोन का टीम पायलट, हाँ कहाँ जाए तो, नहीं कर सकती ना। तो घर से पहन के आना था ना, नहीं पहन सकती। ओ भाई साहब, हमने तो पहन के आए, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो सिमरन भैया, आज बाइक क्यों नहीं चला रहे हो आप? आपने मना करा था। मैंने कब मना किया भाई? आपने कहा बारिश होगी, मैंने भाई रात को बोला भाई बाइक चलानी है, बोला मेरे को बोल रहा है मैं आ रहा हूँ यंस पे, आ रहा हूँ, मैंने कहा यंस पे नहीं रेंज पे इवेंट है, आ जाओ चलाएंगे बाइक, फिर बोल रहे नहीं नहीं बाइक गंदी हो जाएगी। हाँ बाइक गंदी हो जाएगी। और यहाँ देखो बड़े बड़े 300 RR BMW वाले भाई साहब, BMW वाले बंदे हैं, BMW वाले, आप सोचो ब्रांड है भाई, ब्रांड BMW, अमीर लोग इस
बार नहीं गिरूंगा पक्का, ठीक है ना। देखो भाई कितनी गर्मी है, रौनक को भयंकर गर्मी लग रही है, तो सारा उतार रहे हैं। बाकी ट्रैक वॉक के लिए गए हुए, हमने ट्रैक वॉक कर चुके हैं, राउंड चला लिया है जो फ्लैट ट्रैक का है, होप करते हैं क्या रिजल्ट आया पता नहीं, बट चला लिया हमने। हमसे खुद की उम्मीद हमें बहुत गंदी लगी, बट सब बोल रहे अच्छी चलाई है, तो अब देखते क्या होता है, रिजल्ट पता चलेगा। बाकी कंडीशन आप देख सकते हो, ये देखो जूतों पे देखो मिट्टी लगी हुई है, फुल पावर। और रौनक का देखो आप, रौनक ने भी चलाया और मैंने भी चलाया सेम, रौनक का भी बहुत अच्छा टाइमिंग आया था, मेरा भी अब टाइमिंग का तो पता नहीं बट आया है, कुछ तो आया है। हम पहले आ गए, हम आपसे पहले फिनिश कर दिया हमने ट्रैक, वाओ ना। रिवर्स आ रहे, रिवर्स नहीं है, सीधा जा रहे हो आप, सही है। ये देखो सब लोग ट्रैक वॉक पे आ रहे, हम आप सबसे पहले आगे ट्रैक वॉक करके एनर्जी ले रहे हैं दादा। देखो ट्रैक वॉक कर रहे हैं, और रियान भाई बोल रहे हैं मैं शॉर्टकट मार के उधर जाऊंगा। उड़ता थी सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। देखो ये देखो शॉर्टकट मार रहे हैं ऐसे ही, ये कैप्टन सर भी शॉर्टकट मारेंगे यहाँ से, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। काफी लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, राइडरों की हालत खराब है, फुल गर्मी हो रखी है। और ये हमारे जो बहुत पहले मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो हमारे मतलब भूतपूर्व राइडर अभी प्रेजेंट है, बट पूर्व, बट सर को और सर को देख के ना ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अभी चलाना है, बहुत कुछ चलाना है, सर के जैसी चलानी है, बहुत टाइम है, जो उम्र है एज इज जस्ट अ नंबर, सर की एज की और मेरी एज में, सर ने मेरी एज के बराबर बाइक चला ली, इतने इसमें चलाई है, मैंने चला 2000 मतलब 92 सन 56 से चला रहा है, 56 से 1956 से चला रहा है, 97 बर्थ है, तो सोचो आप बहुत मतलब मेरे एज से भी ज्यादा चलाएगा, जितनी मैंने चलाई है, जितनी इसकी उम्र इतने साल हो चलाया उससे भी ज्यादा चलाऊंगा, मतलब बड़े हमारी बैट विशेष के साथ है, तो अभी चलते रहेंगे। देखो हमारे सीनियर सिटीजन और भी है यहाँ पे, इनको भी बाइक चलाते, इनका मेट्रो में फ्री होने वाली है अभी, इनको भी बाइक चलाते हुए मेरी उम्र के जितना हो गया, नहीं नहीं अभी इतना नहीं हुआ, 25 बोल रहा है, 25 साल तो हो गया आपको बाइक चलाते हुए, नहीं इतना नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है, 96 से स्टार्ट करी आपने, 95 देखो मैं 97 मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। तो सीनियर मैंने 2017 से शुरू करी है, और बीच में एक साल कोविड आ गया, मेरा टोटल राइडिंग एक्सपीरियंस 5 साल का कॉम्पिटेटिव, बाकी बाइक तो हम पहले चोरी से चला ही रहे 12 साल से, बट बहुत बहुत सीखने को मिलता है, बहुत जैसे इन लोगों को देखते तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं उखड़ा है, कुछ भी नहीं किया, तो चलानी है, बहुत कुछ चलानी है अभी तक। टीम की हालत देखो आप, पसीने गर्मी भी हो रही है, बट तेरा 4-5 किलो वेट कम हो जाएगा भाई, चाहिए 4-5 किलो कम हो जाएगा आज में सारा कुछ, ठीक है। बाकी भाई भी शूट कर रहे हैं, वो कैमरे में वीडियो में दिखाएंगे तो फोटो मिल जाएगी क्या सर, ये भी सीनियर सिटीजन है, ये भी नहीं कुछ बोलना सर के साथ मैंने पहली रैली हमारे सर के साथ, कौन सी चलाई थी, रेजिस्ट्रॉन कौन सी थी। हालत खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उमस हो रही है भयंकर, आज हालत खराब है इसकी, फील हो रहा ना, आज तो मेरी भी हालत खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कलम में एडिट करा दिया, मर जाते। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, अगला ब्लॉग इसी का सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट डे, आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और बाइक कंटिन्यूएशन है पहली चीज, हाँ तो अगर ये देख रहे हो तो आगे वाला मत भूलना, वो देखोगे तभी देखोगे तो वापस आना, वो देखोगे तभी पता चलेगा कि हमारा क्या हुआ इवेंट के अंदर, इवेंट के अंदर भाई को क्या मिला वो सरप्राइज है, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।